पुलवामा हमले के बाद 44 जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरा देश सत्ते में आ गया और आक्रोश से भर गया। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंजने लगी कि अब भारत को बदला चाहिए। हर जिले हर गांव में शहीदों को श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार अभी तक जारी है। इसी क्रम में आज फतेहपुर जिले के ज्वालागंज क्षेत्र से स्कूली बच्चों ने भी रैली निकाली और भारत में एकता का संदेश दिया और लोगों को ये भी संदेश दिया कि भारत के नागरिक बहुत मजबूती से हर कदम पर अपने देश के जवानों के साथ खड़ा है। बच्चों ने भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में हिंद सेना को जवाब देने को कहा है। मांग है सरकार से, हमारी यही मांग है कि जो शहीद हुए हैं उनका बदला लिया जाए और किसी भी मोर्चे पर छोड़ा नहीं जाए आतंकवादी जो भी मिले। देश के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? देश के लिए हम अपना सब कुछ दे सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी जो भी धन है और सहयोग, जिस प्रकार का भी सहयोग होगा सब। रैली लेकर निकले हुए हैं, किस मुद्दे से निकले हुए हैं? हमारे शहीद नमन नमन। आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? पाकिस्तान से रैली। आप लोग इस जो निकली हुई है किस उद्देश्य निकाली गई है? सर, ये जो रैली हमारे मतलब जो जवान शहीद हुए उनके लिए रैली, और सभी लोग काफ़ी गुस्से में है तो इन लोगों के लिए हम लोगों ने रैली निकाली। आप लोग देश के लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग मतलब देश के लिए हर चीज़ कर सकते हैं, और हम लोग सभी लोग काफ़ी गुस्से में है जिसकी वजह से हम लोगों ने स्कूल जो रैली से रैली निकाली है सब साल के लिए। बेटा, इस रैली का उद्देश्य क्या है, किस लिए आप लोग आज एकत्रित हुए हैं? सभी लोग किस लिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पे? किस लिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पे रैली? इसके लिए आप क्या करना चाहती हैं? सरकार से आपकी क्या मांग है? बदला लिया जाए, पाकिस्तान को उड़ा दिया जाए। मोदी जी हमारे पाकिस्तानियों को, हमारा ये आप लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम देश के